हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके बारे में, या रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल, ए साइकिल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, यानी एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा चक्र जो रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। विदाउट रिप्रोडक्टिव साइकिल मदर कान प्रोड्यूस ओवम, यानी रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है वो जो मैमल्स होती है, जो मैमल्स जो ये कह सकते हैं कि जो मदर्स होती है, जिसे हम स्तनधारी बोलते हैं, स्तनधारी है जो मैमल्स जो मदर्स होती है उनमें रिप्रोडक्शन के लिए या ओवम फॉर्मेशन के लिए रिप्रोडक्टिव साइकिल कंपल्सरी। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी इसको दो प्रकार से बांटा गया है, यानी कैसे इट इज कंसीडर टू फॉलोइंग टू टाइप्स, या टू टाइप्स हो सकता है, डिलीट कर सकते हैं। पहले बात बता दूं कि रिप्रोडक्टिव जो साइकिल्स है ओनली यू कैसे इट इज ओके ओनली मैमल्स मदर, ये ध्यान देंगे मैमल्स में, मदर्स में ओनली मदर्स। इट इज यू कैसे टू टाइप, फर्स्ट ऑस्ट्रस साइकिल, अगर यू कह सकते हैं इसको, हम यू कह सकते हैं ऑस्ट्रस साइकिल, सेकेंड वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी पहला जिसे हम लोग बोलते हैं मधु चक्र, और सेकेंड रज चक्र। ओके, अब इसको कंफर्म कर लें कि रिप्रोडक्टिव जो साइकिल्स है देरा यू कैसे इट इज ए टू टाइप होते हैं, फर्स्ट ऑस्ट्रस यानी मधु साइकिल एंड दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले मैं ऑस्ट्रस साइकिल इसके बारे में थोड़ा सा यू कह सकते हैं कि कुछ जो स्पेसिफिक और से बता दूं, इट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ओक्यूर नॉन प्राइमेट्स मैमल्स, एंड जो प्राइमेट्स जो मैमल्स होती है, जिन्हें प्राइमेट ऑर्डर में रखा जाता है, उन मैमल्स को छोड़कर यू कह सकते हैं कि इट रिप्रोडक्टिव साइकिल इज ओक्यूर ऑल द mammals, all the mammals of या मदर यू कह सकते हैं कि mammals female exclude the primates order, primate order को छोड़कर जितनी females होती हैं उनमें ये पाया जाता है। तो यू कह सकते हैं कि अगर बात यहाँ पर कर जैसे कि cow है या donkey है, आप है ना donkeys है, horses है, इनके अंदर ही पाया जाएगा, dogs है इनके अंदर ही पाया जाता है। ओके, जो फीमेल होती है वो ओवम प्रोड्यूस करती है, और फीमेल अट्रैक्ट टू या फिजिकली सेक्सुअली अट्रैक्ट टू मेल पार्टनर फॉर कोइटस। यानी इसको ध्यान देंगे, इस पीरियड में जो ऑस्ट्रस साइकिल होता है, मध चक्र होता है, इसके दौरान जो फीमेल्स होती है वो मेल पार्टनर को, यू कह सकते हैं कि ये फीमेल जो होती है वो मेल पार्टनर को क्या करती है, फिजिकली या सेक्सुअली क्या करती है, अट्रैक्ट करती है फॉर कॉइटस या फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट, हम ये कह सकते हैं। दिस इज अ हीट पीरियड, यानी इस कंडीशन में जो फीमेल होती है उसको हम बोलते हैं हीट पीरियड ऑफ फीमेल, यानी इस कंडीशन में फीमेल जो है उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस ऑस्ट्रस साइकिल के दौरान जो फीमेल का जो यूट्रस एंडोमेट्रियम जो लेयर है, यू कह सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई डिस इंटीग्रेशन या यू कह सकते हैं डिजनरेशन नहीं होता। यानी कॉमन सी बात है कि ऑस्ट्रस साइकिल में किसी प्रकार का मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है, जो डिस्चार्ज होता है एंडोमेट्रियम लेयर का, वो नहीं होता है। और ये जो इस जो फीमेल्स होती है, यानी कह सकते हैं ऑस्ट्रस साइकिल जिन फीमेल्स में होता है, वो फीमेल केवल एक लिमिटेड टाइम के लिए, यू कह सकते हैं इन लिमिटेड टाइम के लिए ही मेल को फिजिकली के लिए या सेक्सुअली के लिए क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। एब्सेंस दिस फेज या एब्सेंस दिस साइकिल फीमेल डू नॉट अट्रैक्ट या डू नॉट इंटरक्रॉस विद मेल, इसको कॉमनली आप समझ जाएंगे। तो हम लोग एस्ट्रो साइकिल में समझ गए, इसमें हीट पीरियड होता है, और हीट पीरियड में फिजिकली सेक्सुअल रूप से वो अट्रैक्ट करती है उसको हम लोग, इसके अलावा यू कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑस्ट्रो साइकिल फीमेल पार्टनर डज नॉट अट्रैक्ट या डज नॉट इंटरक्रॉस विद मेल पार्टनर, ये कंफर्म कर लेंगे यू कह सकते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही ये होता है। और यू कह सकते हैं ऑस्ट्रो साइकिल जो होता है फीमेल्स में
वो यू कह सकते हैं कि कई फीमेल्स होते हैं उनमें एक ईयर में ये जो वस्त्र साइकिल है रिपीटेड सेवरल टाइम्स यानी कई बार आता है ये, या फिर कुछ फीमेल्स होती है उनमें ये एक ईयर में ओनली कम वन टाइम यानी एक ही बार आता है, या किसी में दो बार आता है, किसी में छह बार आता है, यानी सेवरल टाइम्स इसका हम लोग अलग अलग डिस्कस हम लोग कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल में। हम लोगों ने जो साइकिल हम लोग लेकर आए वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल और शॉर्ट में वी कैन एमसी। हम इसको ऋतु स्राव, रजो धर्म, आर्त और चक्र, मासिक महावारी कई नाम से लोग यूज कर सकते इसको बुला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम के आधार पर हम लोग यूज कर सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम लोग समझेंगे। तो यू कह सकते हैं इट ओक्यूर, यू कह सकते हैं इट रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल इट ओक्यूर प्राइमेट्स यानी प्राइमेट्स, प्राइमेट्स फीमेल या प्राइमेट मैमल्स, प्राइमेट मैमल्स फीमेल या जो प्राइमेट फीमेल्स होती है उन्हीं में यू कह सकते हैं कि मैमल्स में तो प्राइमेट नॉन प्राइमेट ऑर्डर होता है, तो यू कह प्राइमेट जो ऑर्डर होता है उसी की फीमेल होता है लाइक मंकीज यानी मंकीज है, ये कैसे एप्स है या चिंपैंजी गोरिल्ला एंड अलोंग विद ह्यूमन ह्यूमन बीइंग। ये आप उसको कंफर्म कर लेंगे कि ह्यूमन जो फीमेल्स होती है उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल में पाया जाता है, यानी कि उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है कौन सा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसको आप कंफर्म कर लेंगे इट स्टार्ट यानी कॉमन सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इनिशिएट यानी स्टार्ट या इनिशिएट एट द प्यूबर्टी। इसको भी कंफर्म कर लेंगे ये प्यूबर्टी फेज में स्टार्ट होता है और प्यूबर्टी फेज स्टार्ट टाइम टू टू मंथ। इसको आप कंफर्म कर ले। इसके बाद जो बेसिक जो लोग कोर्स पढ़ने जा रहे हैं इट यू कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या इट रिपीटेड एन एवरेज इंटरवल या कॉमन सी बात है मैं यहां पर लिख रहा हूं इट रिपीटेड रिपीटेड एन एवरेज इंटरवेल, इंटरवेल भी कह सकते हैं, टाइम भी कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रिपीटेशन है वो एक निश्चित टाइम के बाद या निश्चित जो टाइम होता है उसके बाद इसका रिपीटेशन होता है। इसको हम समझे इट रिपीटेड एन एवरेज इंटरवेल अबाउट यानी अबाउट या लगभग इसका टाइम होता है 29 to 30 days यानी ये 29 to 30 days के बाद में इसका रिपीटेशन होता है। ओके यानी इट स्टार्ट या इट री स्टार्ट। ओके इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मासिक यानी एक माह में आने वाला यानी कह सकते हैं अप्रोक्स 29 टू 30 डेज के बाद में रिस्टार्ट होने वाली साइकिल को हम लोग कह सकते हैं मासिक चक्र, माहवारी, ऋतु चक्र, रजोधर्म और कई इसके यू कैसे इसके नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हम इसको बोलते हैं। अब यू कह सकते हैं इट इज इंटरवल, यू कह सकते हैं कि ये कॉमन सी बात है इट इंटरवल बिटवीन फर्स्ट यू कह सकते फर्स्ट एंड सेकंड यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड पहले एंड सेकंड यू कह सकते हैं कि कोई भी जो रेगुलर जो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है यू कह सकते हैं द इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आर यानी कह सकते हैं यानी कि द पीरियड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं ऋतु स्राव भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग मासिक चक्र भी बोल सकते हैं। इट स्टार्ट यू कह सकते हैं कि यानी फर्स्ट फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल का शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टार्ट यानी स्टार्ट एट द प्यूबर्टी और जो फर्स्ट प्यूबर्टी फेज में स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्च। क्या बोलते हैं मेनार्च या आपको कंफर्म कर लेंगे The first menstrual cycle is known and called menarche. यानी इसको हम लोग सबसे पहला जो menstrual cycle उसको क्या बोलते हैं menarche. यानी आप इसको भी कॉपी लिख लेंगे The first menstrual cycle start initiate at the puberty is known and called menarche. यानी first जो menstrual cycle है उसको हम लोग menarche कहते हैं। ओके तो इसके लिए हम लोग इसी का बेसिक आपको बता दूं कि menstrual cycle is controlled. यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस यानी साइकिल इज कंट्रोल बाय ओवेरियन हार्मोन्स एंड प्यूटरी यानी प्यूस ग्लैंड के जो हार्मोन्स और ओवेरियन यानी जो अंडाशय के जो हार्मोन्स हैं वो इसको क्या करते हैं यू कैसे कंट्रोल करते हैं। इसको कंफर्म कर लें कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कंट्रोल बाय द
pituitary glands and ovary glands, यानी ovary and जो जो two endocrine glands हैं, वो इसको control करती है। किस प्रकार control करती है? We will read about after this topic। हम इसके बारे में तो हम लोग पढ़े। अब यू कह सकते हैं कौन सी बात है? हम यहीं पे कुछ basic चीज़ मैंने भी आप लोगों को menarche के बारे में आपको बताया, आप लोगों को समझ गए होंगे। एक है menopause, वो भी आपको समझे menopause, ये इसको समझे आप लोग। एंड यू कह सकते हैं कि menstrual cycle के जो परमानेंटली, यानी कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो हम लोग मेनार्च कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज परमानेंटली स्टॉप एट द 45 to 50 ईयर एज, यानी कह सकते हैं एट द एज ऑफ 45 टू 50, यानी 50 ईयर की एज में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टेंपरेरी परमानेंटली, यानी स्थायी रूप से, इसको कन्वर्ट कर ले स्थायी रूप से क्या होता है, स्टॉप यानी रुक जाता है। और यू कह सकते हैं इसमें किसी प्रकार ओवम फॉर्मेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रूप से यू कह सकते हैं परमानेंटली स्टॉप है एंड, और इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज, यानी कह सकते हैं इट इज प्रोसेस, सॉरी इट इज फेज कॉल्ड मेनोपॉज। तो मेनोपॉज और मेनोपॉज आप डिफरेंट आप समझ गए होंगे। अब यू कह सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एक और मैं एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, इट इज रिपीटेड 29 टू 30 डेज, सो इसको हम लोग मासिक चक्र भी कहते हैं। ये इट इज स्टार्ट द यू कह सकते हैं जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ओल्ड मेनोपॉज, और जो टेंपरेरी या परमानेंट रुक जाता है उसको मेनोपॉज कहते हैं। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसको आप ध्यान दें, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यानी कैसे प्रेगनेंसी के दौरान ऑल द इवेंट्स हो, अभी मैंने आगे बता दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट फोर फेजेस में डिवाइडेड होता है। तो यू कह सकते हैं एट द प्रेगनेंसी, या यू कह सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर टेंपरेरी स्टॉप्स, यानी ध्यान देखो दिस इज साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना ही साइन ऑफ द प्रेगनेंसी है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यू कह सकते हैं इट मे बी स्टॉप मैंने रीजन, ये कई रीजन से भी रुक सकता है। अगर बात यू कर सकते हैं अगर कॉमन सी बात है फिजिकल वीकनेस की वजह से भी रुक सकता है, स्ट्रेस की वजह से रुक सकता है, यानी स्ट्रेस, यानी कह सकते हैं इट मे बी स्टॉप्स सेवरल रीजन, ये कई रीजन से भी रुक सकता है। तो इट इज नॉट ए ओनली साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, यू कैसे इसका रुकना प्रेगनेंसी का साइन नहीं है, कभी कभार ये फिजिकल थिकनेस, स्ट्रेस एंड यू कह सकते हैं कि जो फिजिकल जो यू कह सकते हैं कि जो इलनेस है यानी जो हेल्थ है उसकी वजह से भी रुक सकता है। तो हम उसको पढ़ेंगे तो प्रेगनेंसी भी ये बिल्कुल टेंपरेरी रूप से रुक जाता है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड, यानी कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ द फोर फेजेस में डिवाइडेड होता है, क्या कह सकते हैं इट इज डिवाइडेड, यानी यू कह सकते हैं इट इज ए साइकिल प्रोसेस, यू कह साइकिल प्रोसेस है और इट इज डिवाइडेड इन फोर फेज, इसको फोर फेज में डिवाइडेड किया गया। तो फर्स्ट फेज को हम लोग यहां इस डायग्राम देख पा रहे हैं, फर्स्ट फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड फेज इज फॉलिकुलर, यू कह सकते हैं फॉलिकुलर फेज, और थर्ड फेज इज ओवुलेटरी या ओवुलेशन, और फोर्थ फेज इज ल्यूटियल फेज। यानी इसको आप कंफर्म कर लें, यू कह सकते हैं कि कॉमनली बात यू कह सकते हैं कि इस ओवुलेशन या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो चार फेजेस हैं हमने उसको पढ़ रहा है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज जो है वो है सर मेंस्ट्रुअल, मेंस ट्रेशन या मेंस्ट्रुएशन कह सकते हैं या फिर मेंस्ट्रुअली फेज भी कह सकते हैं, इसको समझे मेंस्ट्रुएशन फेज। अब हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और यूजेनेसिस, यू कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो चेंजेस होते हैं वो यूटेरियन इवेंट्स में भी, गर्भाशय जो यूट्रस का जो एंड्रोमेट्रियम जो लेयर होता है, एंड्रोमेट्रियम जो होता है वो रीजनरेट, यू कह सकते यू कह अगर उसको यू कह डीजनरेट होता है और रीजनरेट, यानी एंड्रोमेट्रियम जो लेयर होता है वो बार बार एक्चुअल में क्या होती है, टूटती है और वापस बनना, यानी डीजनरेट एंड रीजनरेट, डीजनरेट एंड रीजनरेट फॉर्म होता है, वही एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि यूटेरिन इवेंट्स और ओवेरिन इवेंट्स साथ दिखाए गए, और मैंने आपको कल बताया था, लास्ट में बताया था यूजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल अलोंग विद ईच अदर, यानी यू कैसे स्टार्ट अलोंग विद ईच अदर, दोनों साथ साथ होते हैं और दीज आर कोरिलेटेड, दीज आर correlated each other, दोनों एक दूसरे के correlated, इसको आप अभी समझेंगे कि during the menstrual cycle, menstrual cycle में जब uterine
चेंजेस होते हैं तो उसी दौरान ओवरी में भी चेंजेस होते हैं, और वो जो चेंजेस होते हैं वो ऊर्जाजेस के होते हैं, और यहाँ जो चेंज होंगे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे। तो मैंने यहाँ एक डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम आप तो देख पा रहे हैं कि ये जो आपको जो चेंजेस दी जाए यूटेरिन इवेंट्स, यूटेरिन चेंज, ये यूटेरस में होने वाले चेंज है। दिस इज, यू कह सकते हैं कि ये ओवरीज हार्मोन्स है, यानी कह सकते इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवरीज हार्मोन्स है, यानी अंडाशय जो है, अंडाशय जानते हैं कि ओवरीज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, तो ओवरीज हार्मोन जो लेवल होता है वो दिखाया गया है। तो ये हार्मोन लेवल आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन आता मेन हार्मोन ऑफ बाई ओवरी, ओवरी के जो मेन सेक्स ऑर्गन जो एस्ट्रोजन होते हैं। अब इनका लेवल दिखाया गया कि किस प्रकार इनका लेवल कब कैसे डिक्रीज हो रहा है, कब इनका इंक्रीज हो रहा है, बढ़ना घटना दिखाया गया इसके अंदर पूरे प्रोजेस्टेरोन फेज के अंदर। और लास्ट में ओवरी इवेंट दिखाया गया कि इसमें ओवरी के अंदर जो मैंने यू लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने कह सकते हैं उजेरिस पढ़ा था, तो मैं बता दिया था कि एलोटोप फोलिकल या यू कह सकते हैं कि ओगोनिया आर कंटेन इन द ईच ओवरी, ओवरी के अंदर काफी मात्रा में यू कह सकते हैं कि ओगोनिया सेल्स होती है, और उनका फॉर्मेशन जो होता है वो यू कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज में ही हो जाए या फिटल ओवरी में ही हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ओसाइट पार्ट के ऊपर प्राइमरी फोलिकल बिकम एंड सेकंड सेकंड इनटू टेरिटरी एंड आफ्टर बिकम ए मैच्योर फोलिकल, तो ये फोलिकल पूरा दिखाया गया, इसको हम लोग कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेस्ट्रुअल फेज, आप इसको समझिए, इसे ऋतु स्राव फेज भी कहते हैं। मैं यहां पर यू कहता है इसको हिंदी फॉर्म में लिख रहा हूं ऋतु स्राव, ये आपको समझेंगे। यू कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ध्यान देंगे फर्स्ट फेज है, और यू कह सकते हैं ये जो फेज होता है वो 2 to 5 days, यानी कह सकते हैं कि इट फॉर्म, यानी कह सकते हैं इट लास्ट 2 to 5 days, यानी ये 2 से 5 दिनों तक रहने वाला यू कह सकते हैं फेज होता है। इस फेज के दौरान या ड्यूरिंग दिस फेज ये आप ध्यान देंगे कि डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, यानी इस फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कम होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है वो ओवरी के ओवरी में कार्पल ल्यूटियन करता है, हम लोग अभी देख लेंगे। तो यू कह सकते हैं कि यू कैन द डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में क्या होता है कि द सॉफ्ट पार्ट, यानी यू कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द एंड्रोमेट्रियम, द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंड्रोमेट्रियम डीजनरेट, यानी डीजनरेट एंड कॉजिंग द ब्लीडिंग, यानी कह सकते हैं कि एंड्रोमेट्रियम, हम लोग जानते हैं कि यूट्रस वॉल के अंदर एंड वॉल ऑफ यूट्रस यू कह सकते हैं कंसिस्ट 3 टाइप, हमने पहले पढ़ लिया है कि जो 3 प्रकार से हमें बांटा गया है पेरिमेट्रियम माइमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो आप ध्यान देंगे कि एंड्रोमेट्रियम में ही रिसाइकलिंग यू कैसे रिसाइकलिंग चेंज होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस फेज में क्या होता है कि एंड्रोमेट्रियम जो लेयर होता है उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं इंक्लूड ब्लड वेजल्स है, एपिथेलियम है, म्यूकस लेयर है, वो क्या होते हैं डीजनरेट होती है और कॉजिंग बाय ब्लीडिंग, इनके टूटने से वो क्या ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होने के साथ साथ यू कह सकते हैं कि जो कॉमन सी बात यू कह सकते हैं कि जो ओवम भी हम लोग यहाँ इंक्लूड करेंगे, यानी कह सकते हैं कि डेस्ट्रॉयड ओवम एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंड्रोमेट्रियम इंक्लूड ब्लड वेजल्स एपिथेलियम एंड म्यूकस लेयर आल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग, यानी इस फेज में एंड्रोमेट्रियम जो लेयर, इसमें दिखाया गया एंड्रोमेट्रियम लेयर का स्तर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटा स्तर दिखाया गया थिकनेस है, और यू कह सकते हैं एब्सेंस है, या यू कह सकते हैं डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, ये जो एंड्रोमेट्रियम जो लेयर्स है ये टूटकर एंड्रोमेट्रियल लेयर्स में टूटने में इनकी नर्व्स है या जो वेजल्स है या जो यू म्यूकस लेयर है या जो सेलेस्मा या एवरीथिंग जो लेयर्स है वो डैश होती है और कॉजिंग ब्लीडिंग, यू कह सकते हैं इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो यू कह सकते हैं कि डैश्रोइड ओवम एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंड्रोमेट्रियम डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइनल ओपनिंग, यानी फीमेल की जो वेजाइना है उससे एंड्रोमेट्रियम लेयर टूटकर बाहर आता है, और ये जो फेज है वो 2 to 5 days, यानी 2 to 5 days ये कौन कौन ले कि एंड्रोमेट्रियम जो लेयर होती है वो यू कह सकते हैं कि सर वन टाइम टूटती है, यू कह सकते हैं इट रैप्चर या डीजनरेट रेगुलरली 2 to 5 days, 2 to 5 दिनों तक टूटती रहती है, और यू कह सकते हैं कि जो डिस्चार्ज होता है वो ओपनिंग से बाहर आता है, उसी ओपनिंग या उसी डिस्चार्ज को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ऋतु स्राव। अब आप समझ ले, अब इसको ध्यान दें कि समटाइम यू कह सकते हैं ऋतु स्राव, यू कह एब्सेंस ऑफ द ऋतु स्राव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, मैंने बोला कि ऋतु स्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल का यदि किसी फीमेल में ऋतु स्राव नहीं हो, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं हो, तो दिस इज द साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, बट यू कह सकते हैं इट मे
इट में सेवरल, इट में स्टॉप सेवरल रीजन से, कभी कभार कई रीजन से रुक सकती है। में यू फिजिकल इलनेस, अभी मैंने बता दिया फिजिकल वीकनेस है, स्ट्रेस है, या इलनेस हो या एनी डिजीज, इन रीजन से भी मेंस्ट्रुअल फेज विल बी स्टॉप, रुक सकेगा। यू कैन मे बी स्टॉप, सॉरी मे बी स्टॉप। अब ये आप लोग पहला फेज आप देखिए, तो पहला फेज जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 to 5 days तक, या 2 to 6 days तक, अकॉर्डिंग बॉडी लैंग्वेज ऑफ फीमेल, फीमेल की बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करता है। ओके सर, सेकंड फेज, और आपने देखा कि इस फेज के दौरान एंडोमेट्रियल लेयर टूटता रहता है, और इसमें इसके टूटने से एंडोमेट्रियल लेयर जो होती है उसकी क्या थिकनेस जो क्या होती है डिक्रीज होती है, थिकनेस क्या होती है डिक्रीज, यानी मोटाई घटती है। ओके, अब यू कैसे सेकंड फेज इज फॉलिकुलर, फॉलिकुलर इसको आप समझे, फॉलिकुलर फेज, और वी कैन से इसको हम लोग, आप लोग ध्यान दें इसकी जो फेज का जो है यू कैसे फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हैं, और इसे यू कैसे ओवुलेटरी, सर हम जानते हैं कि थर्ड फेज ओवुलेटरी का थर्ड फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ओवुलेटरी से पहले जो फेज होगा हम उसको क्या कह सकते हैं प्री, आप इसको समझे प्री ओवुलेशन, प्री ओवुलेशन या प्री ओवुलेटरी फेज भी हम यू कह सकते हैं, वी कैन से आल्सो प्री ओवुलेटरी फेज, याद करने के ज्यादा इजी रहेगा आप लोग, यू कैन यू कह सकते हैं, आप इसको इजी वे में याद कर सकते हैं, यू कैन लर्न विद इजी वे, आप इसको इजी वे में याद कर पाएंगे। अब सर फॉलिकल फेज, यू कैन इट कम आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड, या मेंस्ट्रुअल पीरियड फेज के बाद होता है, और जो कि ये जो फेज होती है 7 to 13 days, एक बार ध्यान दें ये 6 to 13 दिन होता है। ये मैं बता दूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है इसके कंफर्म कर लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक यू कह सकते हैं कि एक माह में आने वाला एक चक्कर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी यू कह सकते हैं एवरी या फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ में ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी किसी भी महीने के पहले डेट को स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। इट स्टार्ट एनी डेट ऑफ द मंथ, किसी भी महीने की किसी डेट को प्रारंभ हो सकता है, 7th है 14th, माना कि किसी भी 14th मई को अगर ये स्टार्ट होता है, कॉमन बात है, तो नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो 13 to 14 यू कह सकते हैं जून को स्टार्ट होगा, तो इसका किसी प्रकार से डेट से कोई लिंक नहीं है, यू कह सकते इट स्टार्ट एनी डेट ऑफ द मंथ, माने कि किसी डेट से स्टार्ट हो सकता है, इसको कर्म कर ले, तो ये यू कह सकते हैं इट लास्ट, यू कह सकते इट लास्ट, लास्ट मतलब ये इतने समझ रहे इट लास्ट टू 7 to 13 days, यानी 6 to 13 दिनों तक की अवधि है, या यू कह सकते हैं लगभग क्या डेज होगी 6 to 13 तक दिन होगा अप्रोक्सली, अगर बात यू कह सकते हैं कि फर्स्ट टू सेशन डेट तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिंट रहने वाला है तो सिस्टम टू 13 डेज तक का जो प्रिंट होता है वो फॉलिकुलर फेज कहलाता है। इस फेज में क्या होता है सर, इसको आप समझे, इसको हम लोग प्री ओवरेटर फेज भी कहते हैं। इस फेज के दौरान जो यू कैसे ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं जो प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो इन साइज, ग्रो इन साइज एंड बिकम सेकेंडरी टेरिटरी एंड मैच्योर फॉलिकल, इसको कन्फर्म कर ले, बहुत इजी मैं बता रहा हूं। इस फेज में मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवेरियन एंड यूट्रेट इवेंट्स अलोंग विद, या यू कह सकते हैं कि कंबाइंड विद ईच अदर, जो जुड़े होते हैं, तो ड्यूरिंग दिस फेज फॉलिकुलर फेज के दौरान ओवेरियन में क्या होते हैं जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो कल बता दी था कि प्राइमरी फॉलिकल्स कवर्ड विद, जो कह सकते हैं गैट इज सराउंडेड बाय द ग्रैनुलोसा सेल्स, यानी ग्रैनुलोसा जो सेल्स होती है वो रिकवर करती है, तो ये थीका होता ग्रैनुलोसा, ठीक है, थीका ये लेयर होता ग्रैनुलोसा, और ये अंदर जो सेल्स है उसका नाम क्या सर प्राइमरी ओसाइड, या आप उसको कन्फर्म कर लें कि यहां पर प्राइमरी ओसाइड त
ओके सर, और ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग, अगर यू कैसे ड्यूरिंग अगर यू कैसे ड्यूरिंग विद टू प्यूबर्टी फ्रॉम, यू कह सकते हैं कि जन्म से लेकर प्यूबर्टी फेज तक जो फॉलिकल जो सेल्स होती है उसकी एक यू कैसे काफी अधिक मात्रा में क्या होता है कमी आती है यानी डिस्ट्रॉयड होती है, और एट द प्यूबर्टी यानी 60-20,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट, मैंने कल बता दिया आपको, तो यू कह सकते हैं इन दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल सेल्स ग्रो इनसाइड एंड बिकम
इमैच्योर फॉलिकल, मैंने इसको एक साथ बता दिया, आप समझ पा रहे कि ये जो फेज है यहाँ जो फेज होगा यहाँ ये फेज होगा, आप इसको समझ पा रहे। और मैंने यहाँ पे एक यू कह सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल लाइन खींची जो आपको बताने में मदद कर रहा है कि 14th यू कैन इट इज द मिड, यू कैन इट इज द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मिड पॉइंट सर, और ये इसका यू कह सकते हैं ये बिफोर वाला यू का प्री फॉर्म है, यू प्री पीरियड है और ये आफ्टर फेज। ओके, तो यहां आप देख रहे तो इस दौरान यू कह सकते और जो यू कह सकते हैं कि जो एंड्रोमेट्रियम जो साइकिल या एंड्रोमेट्रियम जो ले जो टूटी थी उसमें वापस क्या होता है रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन स्टार्ट इन एंड्रोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो एंड्रोमेट्रियम जो लेयर्स है उसमें वापस क्या होता है रीजनरेशन स्टार्ट होता है, या जो रैप्चर हुआ था जो टूटा था ब्लडिंग प्रोसेस की बात हुई है, ब्लडिंग प्रोसेस जो है जो डिस्चार्ज है वो 2-6 डेज के बाद में तो डिस्चार्ज बंद हो जाता है और उसके बाद जो एंड्रोमेट्रियम का जो है वो रीजनरेशन वापस स्टार्ट होता है, इसको आप कंफर्म कर लेंगे। ओके, और आप इसको भी समझ पा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस मैच्योर साइकिल में ओवेरियन इवेंट्स के साथ साथ ओवेरियन हार्मोन्स है और पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन्स है, और यू कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स या यू कह सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स सीक्रेट टू गोनेड्स LH लूटिनाइजिंग हार्मोन, FS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH आल्सो नोन एज ICSH यू कैन से आल्सो उसको आप लोग ICSH भी कह सकते हैं। ओके सर, लेकिन ICSH कोड इन मेल मेल में हम इसको ICSH बोलते हैं और फीमेल में LH बोलते हैं, इसको लूटिनाइजिंग। अब इसको अगर मैं बोले इस फेज में यू कह सकते हैं फॉलिकल सेल जो है वो मैच्योर फॉलिकल सेल में गर्भवती और मैच्योर फॉलिकल सेल्स called a non-aged graafian follicle or described by graafian scientists को आप कम कर लेंगे। तो ovaries जो में follicles जो होती है वो graafian एक mature follicle होती है और it become at the 14th day of the menstrual cycle। तो आप follicle phase आप समझ गए। third phase is ovulatory भी कह सकते हैं या इसको हमने ovulatory आप लोगों ने लिखा है ovulatory phase या ovulation उसमें ये आता है। इस दौरान क्या होता है इस फेज में एक्चुअल में क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है उसका जो LH जो हार्मोन्स LH एंड FSH इसको आप लोग ध्यान देंगे द रैपिड सेक्रेशन ऑफ द LH एंड FSH यानी रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH एंड FSH कॉल्ड एज LH सर्ज, यानी कह सकते हैं कि LH जो FSH जो हार्मोन दोनों का जो लेवल होता है वो एक्चुअल में कहां पर पहुंच जाता है मैक्सिमम लेवल पर, यानी इस कंडीशन में पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है LH और FSH जो हार्मोन्स है इसका जो सीक्रेशन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं रैपिड सेक्रेशन ऑफ द LH एंड FSH नोन एज LH सर्ज, यानी LH हार्मोन का जो मात्रा का बढ़ जाना इसको आप लोग एक टाइम बोलेंगे दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन LH सर्ज इसको आप कंफर्म कर ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द LH सर्ज। तो आप यू कह सकते हैं कि रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स नोन एज LH सर्ज, और यू कह सकते हैं इट इंड्यूस्ड यू के LH प्राइमरी ओवर मदर सेल, और आप जानते हैं कि यू कह सकते हैं ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज के अंदर प्राइमरी फोलिकल बिकम सेकेंडरी एंड टर्टियरी, यू कह सकते हैं इसमें ओसाइट जो फर्स्ट होता है इट कंप्लीट हर मियोसिस फर्स्ट, जो मियोसिस जो फर्स्ट है उस डिवीजन कंप्लीट करता है और ओसाइट जो फर्स्ट है वो बिकम कन्वर्ट इनटू टू हैप्लॉइड सेल्स, वन इज ग्रेटर एंड सेकंड इज लेसर, और हम लोग जो ग्रेटर वाली उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओसाइट सेकंड, और जो स्मॉलर उसको हम क्या बोलते हैं पोलर बॉडी फर्स्ट, इसको कम कर ले तो यू कह सकते यही जो सेल्स है इन्हीं को हम लोग ओसाइट सेकंड बोलते हैं, और रैप्चर यू कह सकते रैप्चर द मैच्योर ये ध्यान दो मैच्योर ग्राफिन फोलिकल रैप्चर एंड ओवम और ये ओवम बोल सकते हैं आप उसको या फिर क्या बोलेंगे ओसाइट सेकंड
कम आउट फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल टू ओवरी, ये कंफर्म कर ले, ये ओवरी के अंदर ही है, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये कहां पर था, दीज स्ट्रक्चर कंटेन इन द ओवरी। और ये बताया जे दिस इज द रीसाइक्लिंग, ये कैसे साइक्लिंग चेंजेस इन द फॉलिकल सेल्स ऑफ द ओवरी, फॉलिकल जो सेल्स है उनके अंदर साइक्लिंग चेंज होते हैं ईच ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये चेंजेस होता है, मैंने आपको बता दिया। यू कह सकते हैं ए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यू कह सकते हैं LH induced द ग्राफियन फॉलिकल, देन द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर एंड ओवम इज कम आउट, या ओवम कम आउट फ्रॉम फॉलिकल टू ओवरी, या ओवरी माता। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ovulation, और ovulation induced by LH and FSH hormone, इसको confirm कर लें, what is the meaning of the ovulatory, या what is the meaning of ovulation, और यू कहिए कब होता है, तो कह सकते हैं ovulation process या phase occur the approx day 14th day of the menstrual cycle जो 14 days होता है, उसमें होता है rate induced by LH and FSH hormone, these secreted by the pituitary gland, तो ये मैंने इसमें दिखाया गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रारंभिक जो फेज होता है, यानी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फॉलिकल फेज है, इसमें एस्ट्रोजन और ऑस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन्स का लेवल भी आप क्या देख रहे हैं, कम है, यहाँ पर इनका लेवल क्या होता है, कम होता है। ओवुलेटरी फेज में इनका जो फेज है, जो इनका जो कैसे जो लेवल है वो कहां पर पहुंच जाता है, रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ द LH एंड FSH, तो दिस इज नोन द LH सर, हम इसको LH सर भी कहते हैं। अब सर थर्ड, यू कैसे ओवुलेटरी फेज में ओवम का यू कह सकते हैं डिस्चार्ज, या कॉमन सी बात है, यानी इससे अपनी बात भी कर सकते हैं कि डिस्चार्ज और ओवम, ओवम का यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, इसको आप समझ गए होंगे। ओके सर, फोर्थ जो फेज है उसे बोलते हैं सर ल्यूटियम फेज, यानी ल्यूटियम फेज सर, ये जो फेज है सर, इट इज ए फोर्थ फेज, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट ओवुलेटरी, यानी इसको ये आपको याद करने में आसान रहेगी, पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी कह सकते हैं, ये कंफर्म है, आपको याद करने में बिल्कुल आसान रहेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में ये प्री ओवुलेटरी, ओवुलेटरी एंड ये पोस्ट ओवुलेटरी, तो ये आप लोग यू कैन लर्न इजीली, आप इसको याद कर पाएंगे, और इसको हम लोग ल्यूटियम फेज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं सर, ल्यूटियम फेज। ओके सर, इट लास्ट, यानी इट लास्ट टू 14 टू 15 डेज, यानी ये 15 से 12 टू 15 डेज, 12 टू 15 डेज में के बीच रहने वाला एक ऐसा फेज है, और इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे लॉन्ग फेज है। आप यहां पर देख रहे हैं कि जो थ्री फेजेस, यू कह सकते हैं थ्री फेजेस कंसिस्टिंग, यू कह सकते हैं जो तीन फेज जो होते हैं इसके हाफ पीरियड में आते हैं, और जो अकेला जो फोर्थ फेज है वो अकेला 15 डेज में आते हैं, जो 12 टू 15 डेज का फेज होता है। इस फेज के दौरान बहुत सिंपल है, आफ्टर द ओवुलेशन यू कह सकते हैं कि जो ग्राफिन जो फॉलिकल फेलियर का रैप्चर फॉलिकल बिकम, यू कह सकते हैं या चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम, इसको आप कन्फर्म समझिए, इस फेज में, ये फेज ओवुलेशन के बाद आता है, इस फेज में रैप्चर जो ग्राफिन या रैप्चर जो ग्राफिन फॉलिकल्स है बिकम यू कैसे चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम, यानी कार्पल ल्यूटियम में चेंज हो जाती है, यानी कार्पल ल्यूटियम का निर्माण करती है। इसको बहुत सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि रैप्चर फॉलिकल चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम इट इज द येलो एंड रेडिश बॉडी, और इट एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती है, लेकिन इट इज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। मैं बता चुका हूं कि कार्पल ल्यूटियम एंड जो यू का थीका, यानी यू कह सकते थीका फॉलिकल सेल्स आर एट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ओवरी के अंदर, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का या एंडोक्राइन जो सेल्स का जो वर्क करती है कार्पल ल्यूटियम और इनकी फॉलिकल सेल्स के, या जो थीकास करती है, इसको समझे, तो कार्पस ल्यूटियम इट प्रोड्यूस या इट सीक्रेट द यू कह सकते प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आप देख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल, आप यहां देख रहे हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल यहां दिखाया गया है ये एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल आप देख रहे हैं, यानी इस फेज में ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है। तो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो कह सकते हैं कि जो कॉमनली बात है, इसका जो सेक्रेशन यू कह सकते हैं कौन कर रहा है, कार्पल ल्यूटियम, यानी कार्पल ल्यूटियम सेक्रेशन द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और इट हेल्प इम्प्लांटेशन ऑफ यू कह सकते फिटस, यानी फिटस का इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। ओके, तो आप इसको समझ गए होंगे, तो ये फेज आप लोगों ने देखा कि सबसे लॉन्ग रहने वाली है, और इस फेज में आप ये देख पा रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आल्सो हेल्प इन
इंक्रीज द थिकनेस, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एंड्रोमेटिन, मतलब एंड्रोमेटिन की जो थिकनिंग है वापस क्या हो रही है, बढ़ जाती है। यानी आपने देखा कि एंड्रोमेटिन जो लेयर्स होती है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होता है एंडोमेट्रियम, दैट विल डीजनरेट रेगुलरली, और इस फेज में क्या होता है, इनका वापस से पौधे की थिकनिंग वापस क्या होती है, फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं रीजनरेशन, रीजनरेशन। तो यू कह सकते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऑल्सो हेल्प इन थिकनिंग ऑफ द एंड्रोमेट्रियम लेयर, एंड्रोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस की जो एंड्रोमेट लेयर है उसकी थिकनिंग को बढ़ाने का कार्य करता है। ओके सर, और ये फेज अब कंटिन्यू होती है। अब मैं यहाँ पर इस फेज की जो कंडीशन, यानी इस फेज की कंडीशन बता रहा हूँ, इस फेज में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो सीक्रेशंस है वो रेगुलरली हाई रहता है, क्योंकि ये बता दूं, और एक बार बता, ये भी बता भूल गया कि जो प्यूटरी ग्लैंड्स जो LH और FSH जो हार्मोन है आफ्टर द ओवुलेटरी फेज के बाद में इनका जो लेवल वापस से क्या होता है, वापस से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, इसको आप कंफर्म कर ले। और इस फेज के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन रिलीज, या एस्ट्रोजन रिलीज बाय द, यू कह सकते हैं फॉलिकल सेल, जो फॉलिकल सेल्स होती है उनके द्वारा रिलीज होता है, ये ध्यान दें, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज बाय द फॉलिकल सेल्स, या फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरी, और दिस कंट्रोल ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द फीमेल। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसकी थिकनिंग को इंक्रीज करता है, या यू कह सकते हैं इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को क्या इंक्रीज करता है, और ब्लड टू आर टू यूट्रस, यूट्रस तक, जिससे यूट्रस की थिकनिंग क्या होती है, बढ़ती है, और इट हेल्प आल्सो इम्प्लांटेशन ऑफ द यूट्रस, सॉरी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का वापस ही क्या करता है, उसमें इम्प्लांटेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसको आप समझ गए होंगे कि कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है और कौन सा घट रहा है, इन दोनों हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। अब इसको समझे, अब यू कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस, इफ द ओवम, अगर यू कह सकते हैं इफ द ओवम फर्टिलाइज, अगर ये जो ओवम जो मैंने आपको बताया कि रिलीज ओवम ओवुलेशन के बाद ये, अगर ये ओवम फर्टिलाइज विद स्पर्म, यानी स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, तो ध्यान दीजिए कि यू कह सकते हैं फर्टिलाइज करता है, यू कह सकते हैं इफ ओवम फर्टिलाइज विद स्पर्म, यानी फर्टिलाइज होता है, तब तो उस कंडीशन में कार्पस ल्यूटियम विल बी यू कैन कंटिन्यू, यानी ये बनी रहेगी, और यू कह सकते हैं कि टिल पैट्यूरेशन, यानी पैट्यूरेशन जो प्रोसेस प्रसव जो क्रिया होगी उस तक, यानी यू कह सकते ऑल प्रेगनेंसी पीरियड में कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी और रेगुलरली सेक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, और इट इज द रिक्वायर फॉर द प्रेगनेंसी, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को ये हमेशा क्या मेंटेन रखेगी, हाई पीरियड रहेगी, और रेगुलरली इसके सेक्रेशन जो प्रेगनेंसी, यू कैसे यूट्रस का जो ये जो लेवल आप देख एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में यू कैसे द इनर मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस, और इट हेल्प, यू कैसे इट ऑल्सो हेल्प, यू कह सकते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस ऑल्सो ऑक्यूर हेयर, यानी यहीं पर पाई जाती है, इम्प्लांटेशन जो होता है एंड्रोमेट्रियम होता है, जिसके एंड्रोमेट्रियम की थिकनिंग का हाई होना जरूरी है, और इसमें कौन हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये तो मैंने बता दिया, और ये हार्मोन बना रहेगा। अब यू कह सकते हैं इफ ओवम डू नॉट, इफ ओवम डू नॉट फर्टिलाइज, अगर यू कह सकते डू नॉट फर्टिलाइज, इसको बहुत कम सब समझे, अगर यू कह सकते ओवम का फर्टिलाइजर नहीं होता है, यानी दो कंडीशन है, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजर और परजेंस ऑफ फर्टिलाइजर, अगर ओवम का फर्टिलाइजर नहीं होता है, इफ ओवम डू नॉट, या इफ ओवम डू नॉट फर्टिलाइज, यानी फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कार्पस ल्यूटियम यू कैसे अंडर गो एंड डीजनरेट एंड चेंज इन न्यू स्ट्रक्चर या न्यू फॉर्म, और दिस इज नोन एज कार्पस एल्बिकस। इसको ध्यान दें कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है सर इंटरक्रॉस इनसेमिनेशन, एंड यू कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर नहीं होता है, तो मैं बता रहा हूं, तो यू कैसे कार्पस ल्यूटियम यू कह सकते हैं अंडरगो एंड चेंज, अंडरगो या डेस्ट्रो भी कह सकते हैं, डीजनरेट एंड चेंज ए न्यू स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस एल्बिकेंस, और इट इज द व्हाइट बॉडी, यू कह सकते हैं ये एक व्हाइट, यू कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीज येलो, ये मैं बता देता हूं, ये येलो एंड रेड इज, इसलिए इसको पित्तपिंड भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पित्तपिंड कार्पस ल्यूटियम, और इट एट ए टेंपरेरी एंडोक्राइन सेल के रूप में भी कार्य करते, बिकॉज इट सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो कार्पस ल्यूटियम चेंज इनटू कार्पस एल्बिकेंस एब्सेंट द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में कार्पस ल्यूटियम चेंज या डेस्ट्रॉयड या डीजनरेट इनटू कार्पस एल्बिकेंस, और कार्पस एल्बिकेंस एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यू कह सकते हैं कि इस कंडीशन में इट डज नॉट सीक्रेशन द प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन नहीं करती, ऐसे में
द डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का दोनों लेवल यू कह सकते हैं लेवल डिक्रीज हो जाएगा। कारण क्या होगा कि एस्ट्रोजन का सीक्रेट हार्मोन का ग्राफ बोलेगा और यू कह सकते वो बीच है डैशबोर्ड वो हो चुकी है और कार्बन ल्यूटेन इसका कर दी तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल क्या डिक्रीज हो जाएगा। और यू कह सकते एब्सेंस ऑफ या यू कैन डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, जो एंड्रोमेट्रियम जो लेयर्स होती है यू कह सकते हैं जो सेल लेयर्स होती है वो वापस से डीजनरेट होना शुरू होती है। यू कह सकते हैं द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंड्रोमेट्रियम री यू कह जिसे हमारे पास में यू कह डीजनरेट होती है और वापस उसकी वजह से ऑक्यूरिंग द ब्लडिंग या वापस से नेक्स्ट जो पीरियड होता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, इसलिए हम इसको वापस कौन सा फेज बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। ये वापस या फर्स्ट डे जो कौन सा लिखा हुआ है फर्स्ट डे कौन सा सर ये सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो हम यू कह सकते हैं कि ल्यूटियल फेज को हम और भी कह सकते इसको क्या कर सकते हैं प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी कह सकते हैं। उसको आप समझे ल्यूटियल फेज को हमें अभी क्या नाम देता पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी कह सकते हैं और वी कैन से ऑल्सो प्री मेंस्ट्रुअल फेज, प्री मेंस्ट्रुअल क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज का फर्स्ट फेज दो यू कह सकते हैं आपने बोला मेंस्ट्रुअल फेज तो फर्स्ट है वो लास्ट फेज को कैसे लगा तो सर इट इज नॉट अ फिफ्थ फेज इट इज अ फर्स्ट फेज ऑफ इट इज अ फर्स्ट फेज ऑफ सेकंड ओवुलेशन या सेकंड सॉरी सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यू कह सकते एब्सेंस द फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में यू कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वापस स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मैंने तीनों चारों जो फेज आपको समझा दिए और अपेक्षा है कि आपके समझ में आए हुए होगा। इसके अंदर जो एंड्रोमेट्रियम जो लेयरिंग है यू कह सकते हैं यू कह सकते हैं डिजेनरेट हो रहा है इसको वापस रीजनरेशन हो रहा है वो वापस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हार्मोन जो दिखा है ओवरिन हार्मोन्स का लेवल है ओवरियन चेंजेस है और ये जो चेंजेस यानी दीज ऑल द कंटेंट इन द ओवरी ये सारे कंटेंट किसके हैं ओवरी के हैं और ये प्रोसेस कब होता है ओजेनेसिस ओजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम और यू का मेंस्ट्रुअल साइकिल द यू कह सकते हैं इधर डीजनरेशन इन द एंड्रोमेट्रियम लेयर यानी एंड्रोमेट्रियम लेयर के अंदर जो डीजनरेशन होता है वो तो सर मेंस्ट्रुअल साइकिल है और आप समझ सकते हैं कि ओव्यूलेशन जो फेज है वो सर प्रोसेस यू कह सकते इट इज द प्रोसेस ऑफ द ओजेनेसिस बट इट इज द आल्सो फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप आराम से उसको समझिए पॉज करके समझेंगे तो ये आपके डॉक्टर समझ आ जाएगा। इसके अंदर मैंने काफी कुछ डेफिनेशन बताई मेनोर्स मेनोपॉज बता दिया प्रेगनेंसी कब रुक जाती है ऋतुस्राव कब रुक सकता है और यू कैसे प्रेगनेंसी अगर फर्टिलाइजेशन यू कैसे इफ ओवम फर्टिलाइज्ड अगर फर्टिलाइज्ड होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम विल बी कंटिन्यू ये कंटिन्यू बनी रहेगी ये ध्यान दें एंड रेगुलर एंड कंटिन्यूस सीक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन विच इज द विच रिक्वायर फॉर द प्रेगनेंसी एंड या इम्प्लांटेशन। ओके सर होल प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल यू कह सकते हैं हाई होना रिक्वायर है। ओके सर अगर यू कहते हैं इफ ओवम डू नॉट फर्टिलाइज्ड अगर फर्टिलाइज नहीं करते ये दो कंडीशन सर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि व्हाट इज द यू कह सकते हैं यानी क्या होगा व्हाट हैपन When ovum if does not fertilize, तो ऐसी कंडीशन आप बोलोगे कि कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट या यू अंडरगो एंड डिजनरेट इनटू कार्पस एल्बिकस ये इसके अंदर चेंज हो जाएगी ये ध्यान देंगे और इट इज नॉट एंडोक्राइन ये एंडोक्राइन नहीं है और ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल जो डिक्रीज हो जाएगा ये आप देख पा रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में एंड्रोमेट्रियम के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो वापस से क्या हो रहे हैं डिजनरेट हो रहे हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट और जिसे हम लोग वापस बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज जिससे हम लोग ऋतुस्राव कहते स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को बीच पोस्ट करके डायग्राम बनाते हुए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।